the Dawn Express. Aina Sashka. मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने COVID-19 के खिलाफ जंग के लिए बुधवार देर रात 3100 करोड़ रुपए का आवंटन करने का फैसला लिया। इसमें से लगभग 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, 1000 करोड़ रुपए के प्रवासी कामगारों की देखरेख में खर्च होंगे और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के विकास में सहायता के लिए दिए जाएंगे। इस ट्रस्ट का गठन 27 मार्च 2020 को किया गया था। इस ट्रस्ट का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में है और ट्रस्ट के अन्य पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इस 3100 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में COVID-19 के मामलों से निपटने के लिए पीएम केयर फंड से लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स की खरीद की जाएगी। ये वेंटिलेटर्स समस्त राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों को दिए जाएंगे। प्रवासियों और गरीबों के लिए किए जा रहे मौजूदा उपायों के लिए राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को पीएम केयर फंड की से कुल 1000 करोड़ रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि प्रवासियों के लिए आवास सुविधा, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा और परिवहन की व्यवस्था की जा सके। COVID-19 से निपटने के लिए वैक्सीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। भारतीय शैक्षणिक समुदाय, स्टार्टअप और उद्योग जगत एकजुट होकर इस अत्याधुनिक वैक्सीन का डिजाइन और विकास करने में संलग्न है। COVID-19 वैक्सीन की डिजाइन और विकास करने वालों की सहायता के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि पीएम केयर फंड से दी जाएगी, ताकि वैक्सीन विकास के कार्य को सहायता की जा सके। इस राशि का उपयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के निरीक्षण में किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने आज बुधवार को विस्तार से जानकारी दी। आज के इस चरण में 14 अलग अलग उपायों के बारे में बताया गया। इसमें से 6 MSME, 2 EPF, 2 NBFC और 1 MLS, 1 डिस्कॉम के लिए, 1 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 1 रियल एस्टेट के लिए और 3 टैक्स से जुड़े फैसले किए गए। आइए आपको 9 पॉइंट्स में बताते हैं निर्मला सीतारमण के इस पैकेज से किसको कितना फ़ायदा होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, इसे 30 नवंबर तक कर दिया गया है। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है। पहले ये 30 जून तक के लिए था। टैक्स पेयर को 31 मार्च 2021 तक TDS कटौती में 25% की राहत मिली है। यह इंटरनेट, रेंट, ब्रोकरेज सहित सभी पेमेंट पर लागू होगा। यह 14 मई से लागू होगा और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। इससे लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपए आएंगे। रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए। कैश की दिक्कत से जूझ रही डिस्कॉम कंपनियों को PFC और REC के जरिए 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मुहैया कराई जाएगी। इसमें मिलने वाली छूट लोगों तक पहुंचानी होगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है। इससे नकदी का संकट नहीं रह जाएगा। NBFC को 45,000 करोड़ की पहले से ही चल रही योजना का विस्तार होगा। वहीं आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें AA या इसमें भी कम रेटिंग वाले NBFC को कर्ज मिलेगा। जो लोग EPF के दायरे में नहीं आते, उनकी टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए PF कंट्रीब्यूशन 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। सरकारी कंपनियों में कंपनी को 12% कंट्रीब्यूशन देना होगा, लेकिन कर्मचारी के पास यह विकल्प होगा कि वो अगले 3 महीने 10% देना चाहते हैं या 12%। MSME को बिना किसी कोलेट्रल का 3 लाख करोड़ रुपए तक ऑटोमेटिक लोन मिलेगा। यह लोन 100% गारंटी और 4 साल के लिए होगा। यह स्कीम 21 अक्टूबर 2020 को खत्म होगी। इसमें 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा। इसमें उन्हें अपना कामकाज शुरू करने में मदद मिलेगी।
एमएसएमई के लिए जो दूसरा कदम उठाया जा रहा है वह यह है कि सरकारी खरीद में 200 करोड़ रुपए या इससे नीचे का ग्लोबल टेंडर नहीं दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को बड़ी परियोजनाओं के लिए सप्लाई करने का मौका मिलेगा। सरकारी यूनिट खरीद सरकारी खरीद का हिस्सा बन सकती हैं। टैक्स ऑडिट की डेडलाइन 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। असेसमेंट ना करने की छूट जो अब तक सितंबर 2020 तक थी उसे बढ़ाकर दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम को भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। आप चाहें तो ग्लास को आधा भरा देख सकते हैं और चाहें तो आधा खाली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार रात को राष्ट्र के नाम संबोधन भी ऐसा ही था। आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लाने का ऐलान कर दिया। हताश, निराश और एक अभूतपूर्व संकट से जूझते देश को एक नया नारा दिया कि इस संकट को कैसे मौके में बदला जा सकता है, कैसे यहाँ से एक आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो सकती है जिसकी पहचान भी कुछ और होगी और जो बदली हुई दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राहत पैकेज लेकर सरकार ने दिखा दिया कि वो कितना कुछ कर सकती है। उन्होंने इन सवालों के जवाब में दरअसल नहीं दिए जिनके जवाब आप सुनना चाहते थे। मसलन घर जाने के लिए जान देने पर उतारू गरीबों के लिए मजदूरों का क्या होगा, लॉकडाउन अब खत्म नहीं हुआ तो कब होगा और कितना लंबा चलेगा, और मोदी जी ने ऐलान तो कर दिया लेकिन खर्च के लिए पैसा आएगा कहाँ से। यही नहीं, आप हिसाब का खाता खोलकर गिना भी सकते हैं कि सरकार पहले ही 2.25 लाख करोड़ रुपए अपने खाते से खर्च करने का ऐलान कर चुकी है और रिजर्व बैंक के जरिए भी उसने 8 लाख करोड़ रुपए बाजार में डालने का इंतजाम किया है। दोनों जोड़ लें तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान पहले ही किया जा चुका है और पैकेज का आधा हिस्सा यानी सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपये और खर्च होना है। पहले के 10 भी अभी पूरे खर्च तो हुए नहीं, वो भी सिस्टम में आएंगे, बैंकों से निकलेंगे, बिजनेस में जाएंगे, खर्च होंगे, इस जेब से उस जेब में जाएंगे, तभी तो माना जाएगा कि न पैसा काम पर लगा है। मगर तत्व की बात यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से यह संदेश दे दिया कि कोरोना के मुकाबले के लिए लॉकडाउन करना उसकी मजबूरी थी। अब उसे दिखाना है कि वो देश के एक बड़े संकट में से कैसे अपने लिए तरक्की की नई राह बनाता है। इतिहास, अर्थशास्त्र और व्यवहार बुद्धि तीनों गवाह हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत अक्सर बड़े मौके में बदल ही जा सकती है। मोदी जी ने अपने भाषण में Y2K समस्या का उदाहरण भी दिया, 1991 का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों ही वक्त ये लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही बार अंधकार में एक नई राह खुली और लंबे समय तक उसका फ़ायदा मिलता रहा। IT की दुनिया में भारत का दबदबा हो या आर्थिक सुधारों के बाद 8% सालाना विकास दर तक पहुंचने की कहानी, टुकड़ों टुकड़ों में देखें तो अनेक छोटे छोटे सूत्र बिखरे पड़े हैं। 12 मई के भाषण में ही आत्मनिर्भर भारत के 5 खंभों का जिक्र हुआ, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। आप और हम इन सब पर सवाल पूछ सकते हैं कि क्वांटम जंप, आधुनिक भारत की पहचान, रिफॉर्मर्स और सप्लाई चेन वगैरह का पूरा गणित क्या है। भाषण खत्म होते ही तय हो गया कि अगली सुबह शेयर बाजार में एक नया सवेरा आने वाली है। सिंगापुर के बाजार में भारत का जो इंडेक्स खरीदा बेचा जाता है वो करीब 3% की उछाल दिखा रहा था और इस बात पर कोई विवाद नहीं कि बुधवार की सुबह भारत के शेयर बाजार धमाकेदार तेजी के साथ खुलेंगे। इसे गैप अप ओपनिंग कहा जाता है। ज़्यादातर जानकारों का कहना है कि बाजार को उम्मीद थी कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा GDP का 5-7% खर्च करने का ऐलान करेगी, जबकि यहाँ आ गया कि 10% पैकेज यानी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार क्या नए रास्ते से पैसा जुटाएगी, नए नोट छापेगी, कर्ज उठाएगी, या फिर वो पहले से तय की गए किसी खर्च को रोक कर इस रकम पैकेज पर खर्च करने जा रही है। इन सवालों के जवाब यानी पैकेज का पूरा ब्यौरा सामने आने के बाद ही तय हो पाएगा। देश की इकोनॉमी को, उद्योग और व्यापार को, गरीबों और किसानों और नौकर पेशा या अपने कारोबार में लगे मध्यम वर्ग को इतिहास के इससे सबसे बड़े पैकेज से क्या मिलने जा रहा है, वरना यही ये एक ऐसा सम्मान साबित न हो जाए जिसका हल्ला तो बहुत होता है लेकिन जिसमें एक साल और एक सर्टिफिकेट के अलावा हाथ कुछ नहीं आता। सहभाग डेली हैंड एंड डेली होम। धन्यवाद। The Dawn Express.